नीचे तो मत करना भाई, मोबाइल नीचे से भी आएगा भाई, जरा मोबाइल आ रहा है। और सच ये है, बड़ी चालाकी से इस देश के भीतर लोगों को आपस में लड़ा करके, हिंदू मुसलमान करवा करके, मंदिर मस्जिद करवा करके, इस देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल गुमराह किया जाए। आप अगर सुनेंगे तो आपको जान करके आश्चर्य होगा, इस देश में हर घंटे 24 घंटे में 24 हर घंटे कोई ना कोई नौजवान बेरोजगारी की वजह से, जो उसके भीतर तनाव है उसके चलते वो आत्महत्या कर रहा है। पिछले 5 सालों में 3 करोड़ 16 लाख और यही हालात है जो
कि किसी भी हमको डराने की जरूरत नहीं है, किसी भी स्थिति में हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी भी स्थिति में हमको घबराने की जरूरत नहीं है। ये देश हमारा था, है और रहेगा। यही को लगता है कि आज वो गद्दी पे आए हैं तो ये देश उन्होंने खरीद लिया है, तो उसको बताना चाहते हैं आज हम नागरिक की तरफ अपना अधिकार बचाने के लिए सड़कों पे आए हैं, संभल जाओ सरकार वरना तुमको रास्ते पे ले आएंगे। और क्या करोगे, केस करोगे, मुकदमा करोगे, जेल में डालोगे। लिखा हुआ इतिहास उठा करके पढ़ लो, जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो सस्ता फोटोकॉपी वाले इन अंग्रेजों से डरेंगे क्या? हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, चोरों से लड़ाई लड़ी थी, बोलिए हम चोरों से लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। हर वो लड़ाई लड़ी जाएगी जो नहीं लड़ी गई। बास ने एक बात लिखा है, बास एक बड़े मशहूर क्रांतिकारी कवि हुए पंजाब के, उन्होंने लिखा हम लड़ेंगे